हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉट स्टडी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो एसएससी जेई के बारे में है, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में 22 से लेकर 24 तक जो है ये एग्ज़ाम चले थे, एंड इसके बारे में कट ऑफ बताता हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। पहले मैं आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ बताता हूँ, उसके कंपैरिजन में आपको बताता हूँ और कितना जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका जो लेवल था वो मैं आपको बताता हूँ, कितना लेवल था और कितना डिफरेंस रहेगा कट ऑफ। जो 2019 का था, यानी 2019 का था वो 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर में हुआ था। बेसिकली वो मार्च में होना था बट अक्टूबर में हुआ था ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से। एंड इसकी रीजन की वजह से आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ जो गया था वो काफ़ी 5-6 नंबर हर कैटेगरी के जो है डाउन गया था कंपेयर टू लास्ट 1 ईयर। एंड मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, यूआर का जो गया था वो 123.52 गया था, एंड ईडब्ल्यूएस का गया था वो गया था 112, एंड ओबीसी का गया था जो गया था 115.93, और इसका 28 गया था, एंड एससी का जो गया था वो 101.70 और एसटी का गया था वो 102.61। अगर बात करते हैं ये जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए थे पेपर टू के लिए वो 860 गए थे, 824 थे, इसमें 1719 था, इसमें 843 एंड 434 जो ओवरऑल कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट किए गए थे किसके लिए, पेपर टू के लिए। और इसकी जो कट ऑफ इसका जो वैकेंसीज थी वो 850 अराउंड थी वैकेंसीज थी। इस बार भी आई थिंक 50 या 60 जो वैकेंसी वो कम कर दी गई हैं लास्ट 2019 का जो बेस्ट था है उसका उसके कंपैरिजन में कम कर दिया गया है। एंड अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो कट ऑफ था सभी का कट ऑफ लास्ट 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपैरिजन में ये कम गया है, यानी कि उसमें 5-6 नंबर जो है इससे ज़्यादा गए थे, और यानी 5-6 नंबर बोल सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में कम गए थे। अब लेवल क्या था, कम क्यों गया था, मैं आपको बताता हूँ कि उस बार कम क्यों गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उस टाइम जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उसमें रीजनिंग लेंदी थी, उसके रीजन की वजह से सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं कम गया, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि टू आवर में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि इसका जो टेक्निकल होता है वो ईजी ही होता है, आप अगर अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने तो उसके क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। एंड जीएस भी नॉर्मल आया था लास्ट ईयर, इस बार भी जीएस नॉर्मल ही आया है, इतना कोई बहुत टफ नहीं आया है। एंड उस बार भी जीएस इजी था, बस मेन रीज़न था वो था अपना रीजनिंग, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका जो है कट ऑफ डाउन गया था, और कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे वो अपीयर नहीं हुए थे उसकी रीज़न के वजह से। अब हम बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कि 2021 की बात करते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में इसके बारे में हम देखते हैं। तो यूआर का मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि लास्ट अभी जो है वो 125 से लेकर 128 के बीच में जाएगा कंफर्म, एंड एग्जैक्ट बता दूं मैं तो 127। थोड़ा सा आप रिजल्ट आएगा तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का आएगा तो वो आएगा 114 से लेकर या 114 से लेकर 117, एंड एग्जैक्ट मैं बोल सकता हूँ 116 भी आ सकता है। ओबीसी का बता रहा हूँ मैं, अगर जिसके भी 116 से ऊपर होते हैं और 120 के बीच में, एग्जैक्ट 190 बोल सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। एसटी का बताम एसटी का एससी की बात करते हैं 105 से लेकर, अगर ओबीसी का मैं थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ करता हूँ क्योंकि 118 से लेकर 120-190 इतना रह सकता है, क्योंकि इसके बिलो अगर कोई भी सपोज 117 नंबर भी आएंगे तो मे बी आप
तैयारी कर सकते हैं सेकंड टू के लिए, उसमें कोई भी वो नहीं है, बट आप ये ना सोचिए कि हाँ शायद ना हो, बट होप लगाइए, विश कीजिए कि शायद मे बी लक है, अच्छा हो तो आपका जो है क्लियर हो जाए फर्स्ट पेपर। 105 से लेकर 110 तक जो है इसका हो सकता है, इस बार जो है 108 भी जा सकता है कट ऑफ। एस टी की बात करते हैं, जो वो लास्ट ईयर अपना 102 गया था, इस बार 104 से जाएगा, 110 तक ही मान लो, इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, एक दो नंबर इंक्रीज या माइनस भी हो सकता है, तो ऐसा इनका रहता है। ये जो है अपना सिविल इंजीनियर का मैंने आपको बताया था, तो इतना जो है कट ऑफ जा सकता है, गारंटेड जाएगा, और आप रिजल्ट आएगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स कितने नंबर आए हैं, तो वो डेफिनेटली तैयारी कीजिए सेकंड पेपर के लिए। एंड वही मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में, तो UR का जाएगा इस बार तो 160+, EWS का जाएगा 152+, OBC का जाएगा 155+, SC का जाएगा 142+, ST का जाएगा 137+। ठीक है, ये जो है कट ऑफ, मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बारे में बात करता हूँ। एंड गाइस, जो भी कट ऑफ मैंने बताया है कम्प्लीटली इसी बेसिस पर जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे ही मोटिवेट मिलता है, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच।